बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 13 का जो नेक्स्ट पेज है वहाँ से पढ़ेंगे। पेज नंबर 80 है मेरे पास, फर्स्ट पेज, सेकंड पैसेज है। व्हेन महरून रीच द एज ऑफ 14, व्हेन महरून रीच, जब महरून पहुँची द एज ऑफ 14, 14 बरस की उम्र को, जब महरून 14 बरस की उम्र को पहुँची, मौलवी अबुल्स प्रेयर, मौलवी अबुल की नमाजें, बिकेम इंटेंस, बिकेम हो गई या बन गई इंटेंस। शदीद या पुरसोज भी कह सकते हैं। मौलवी अबुल्स प्रेयर, मौलवी अबुल की नमाजें, बिकेम इंटेंस, शदीद हो गई एंड प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड तवील। व्हेन महरून रीच द एज ऑफ 14, जब महरून 14 बरस की उम्र को पहुंची, मौलवी अबुल्स प्रेयर बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग, मौलवी अबुल की नमाजें पुरसोज और तवील हो गईं। ड्यूरिंग रमजान, रमजान के दौरान, ही लेड, लीड रहनुमाई करना, लीड की सेकंड फॉर्म लेड। यहाँ पे नमाज के लिए तो आप इसको इमामत कराना भी लिख सकते हैं, इमामत कराना। ड्यूरिंग रमजान, रमज़ान के दौरान, ही लेड, उसने इमामत कराई, द नाइटली तरावी प्रेयर, नाइटली तरावी प्रेयर, नमाज तरावी की, एज़ यूजल, मामूल के मुताबिक, रमज़ान के दौरान उसने मामूल के मुताबिक नमाज तरावी की इमामत कराई। बट लेकिन द सेम मौलवी अबुल, वही मौलवी अबुल, हु हैड नेवर मेड अ सिंगल मिस्टेक, मेक मिस्टेक गलती करना, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, हु हैड नेवर मेड अ सिंगल मिस्टेक, जिसने कभी भी एक भी गलती नहीं की थी, लेकिन वही मौलवी अबुल जिसने कभी भी एक भी गलती नहीं की थी, बिगेन स्ट्रेइंग, बिगेन शुरू हो गया स्ट्रे भटकना। Began straying, भटकना शुरू हो गया, from one surah of Holy Quran, कुरान मजीद की एक सूरत से, सूरत, from one surah of Holy Quran to another, कुरान मजीद की एक सूरत से दूसरी सूरत पर। But the same Maulvi Abul who had never made a single mistake, लेकिन वही Maulvi Abul जिसने कभी भी एक भी गलती नहीं की थी, Began straying from one surah of Holy Quran to another, कुरान मजीद की एक सूरत से दूसरी सूरत पर भटकना शुरू हो गया, लेकिन वही मौलवी अबुल जिसने कभी भी एक भी गलती नहीं की थी, कुरान मजीद की एक सूरत से दूसरी सूरत तक भटकना शुरू हो गया। Sometime, बाज़ औक़ात, unconscious, लाशऊरी तौर पर या ला इल्मी में, अनकॉन्शियसली लाशऊरी, जब पता ना चले, लाशऊरी तौर पर या ला इल्मी में, समटाइम्स बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पर, ही रिपीटेड, वो दोहरा देता, रिपीट दोहराना, ही रिपीटेड, वो दोहरा देता, द सेम चैप्टर, सेम एक ही चैप्टर सूरत को, ट्वाइस दो मरतबा, बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर वो एक ही सूरत को दो मरतबा दोहरा देता, इन द सेम पार्ट, सेम पार्ट एक ही हिस्से में, ऑफ प्रेयर नमाज के, बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर वो नमाज के एक ही हिस्से में एक ही सूरत को दो मरतबा दोहरा देता। वंस, एक मरतबा, वैन चौधरी फतेहदाद, जब चौधरी फतेहदाद, चौधरी फतेहदाद कौन था जी, द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मेंबर, रुकन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट, ज़िले, बोर्ड, बोर्ड का, एक दफ़ा चौधरी फतेहदाद जो ज़िले बोर्ड का रुकन था, रेप्रीमेंडेड हिम, रेप्रीमेंड डांटना, सरजिश करना, rebuke, scold, chide या criticize।
Once एक मरतबा वन चौधरी फतेहदार जब चौधरी फतेहदार द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ज़िली बोर्ड के रुकन एक मरतबा जब ज़िली बोर्ड के रुकन चौधरी फतेहदार ने रेप्रीमेंडेड हिम उसे डांटा फॉर अ मिस्टेक एक गलती के लिए एक मरतबा जब ज़िली बोर्ड के रुकन चौधरी फतेहदार ने उसे एक गलती के लिए डांटा मौलवी अबुल फेल्ट मौलवी अबुल ने महसूस किया शाउटिंग बैक एट हिम शाउट बैक चिल्ला कर जवाब देना मौलवी अबुल ने चिल्ला कर जवाब देने जैसा महसूस किया एट हिम उसकी तरफ या उसे मौलवी अबुल ने उसे चिल्ला कर जवाब देने जैसा महसूस किया यू हैव अ होल रो उसका क्या दिल किया कि उसे क्या जवाब दे यू हैव अ होल रो यू हैव आपके पास है होल रो होल मुकम्मल या पूरी रो कतार ऑफ बॉयज लड़कों की आपके पास लड़कों की पूरी कतार है चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब आपके पास लड़कों की पूरी कतार है हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड ब्लेस नवाजना अता करना हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड अगर आपको अता कर दिया जाता या अगर आपको नवाज दिया जाता विद अ डॉटर एक बेटी से अगर आपको एक बेटी से नवाज दिया जाता Then you would understand, फिर आप समझ जाते why I repeated के मैंने क्यों दोहराया है A chapter, एक सूरत of holy book, कुरान मजीद की या मुकद्दस किताब की कि क्यों मैंने कुरान मजीद की एक ही सूरत को दोहराया है twice, दो मरतबा दोबारा पूरे फिक्र को देखते हैं यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज चौधरी साहब आपके पास लड़कों की पूरी कतार है Had you also been blessed with a daughter, अगर आपको एक बेटी से नवाज दिया जाता then you would understand why I repeated a chapter of holy book twice, फिर आप समझ जाते कि क्यों मैंने कुरान मजीद की एक ही सूरत को दो मरतबा दोहराया है But लेकिन चौधरी फतेहदार सेंश्योर सेंश्योर डांट डपट भी कह सकते हैं इसी के सिनोनिम में लिख सकते हैं या इसको तनकीद भी कह सकते हैं सेंश्योर को बट चौधरी फतेहदार सेंश्योर लेकिन चौधरी फतेहदार की तनकीद या डांट डपट वाज प्योरली रिलीजियस प्योरली मुकम्मल तौर पर या खालिस्तन खालिस्तन या मुकम्मल तौर पर बट चौधरी फतेहदार सेंश्योर लेकिन चौधरी फतेहदार की डांट डपट वाज प्योरली रिलीजियस मुकम्मल तौर पर मजहबी थी वाई क्योंकि ही वॉज द सेम रिच पाइस मुस्लिम ही वॉज वो था द सेम रिच रिच अमीर पाइस नेक मुस्लिम मुसलमान क्योंकि ये वही नेक मुसलमान अमीर नेक मुसलमान था द हेड ऑफ विलेज हेड सरबरा सरपंच द हेड ऑफ विलेज गांव का सरबरा हु एवरी इवनिंग जो हर शाम फॉर ईयर्स सालों से जो सालों से हर शाम हैड बीन सेंडिंग भेज रहा था जो कई सालों से या जो सालों से हर शाम भेज रहा था मौलवी साहब के घर होम बेक्ड ब्रेड क्या भेज रहा था होम बेक्ड घर की पकी हुई ब्रेड रोटी घर की पकी हुई रोटी स्मर्ड विद घी स्मर्ड इसको तर भी कह सकते हैं या चुपड़ी हुई होम बेक्ड ब्रेड स्मर्ड विद घी घर की पकी हुई रोटी स्मर्ड विद घी घी से तर या घी से चुपड़ी हुई घर की पकी हुई रोटी क्योंकि ये वही नेक अमीर मुसलमान गांव का सरबराह था जो सालों से हर शाम मौलवी अबुल के घर घर की पकी हुई घी से चुपड़ी हुई रोटी एंड एन अर्थन बाउल ऑफ दाल और दाल का एक मिट्टी का प्याला भर कर भेजा करता था ही वॉज वेरी रेगुलर रेगुलर बाकायदा ही वॉज वेरी रेगुलर वो बहुत बाकायदा था इन हिज ऑफरिंग अपनी पेशकश में ऑफरिंग पेशकश या नजराना ही वॉज वेरी रेगुलर वो बहुत बाकायदा था इन हिज ऑफरिंग अपने नजराने में अपनी पेशकश में जो वो नजराना मौलवी साहब के घर भेजा करता था ही वॉज वेरी रेगुलर वो बहुत बाकायदा था इन हिज ऑफरिंग अपने नजराने में इफ फॉर सम रीजन इफ अगर फॉर सम रीजन किसी वजह से द डेली ऑफरिंग ऑफ इवनिंग मील द डेली ऑफरिंग रोजाना का नजराना ऑफ इवनिंग मील
शाम के खाने का। अगर किसी वजह से शाम के खाने के रोज़ाना के नजराने को वाज़ डिलेड देर हो जाना या ताखीर हो जाना, वाज़ डिलेड ताखीर हो जाती। अगर किसी वजह से शाम के खाने के रोज़ाना के नजराने को ताखीर हो जाती, चौधरी फतेह दाद वुड कैरी इट, कैरी लेकर जाना, चौधरी फतेह दाद वुड कैरी इट, चौधरी फतेह दाद इसे ले कर जाता, हिमसेल्फ खुद चौधरी फतेह दाद इसे खुद ले कर जाता तो मौलवी अबुल हाउस, मौलवी अबुल के घर में, एंड अपोलोजाइज माजरत करना या माफ़ी मांगना। एंड अपोलोजाइज और माफ़ी मांगता फॉर द डिले, ताखीर के लिए या देर के लिए, और देर के लिए माफ़ी मांगता, सेइंग ये कहकर, आई एम टेरेबली सॉरी, टेरेबली बहुत ज़्यादा या बेहद, आई एम टेरेबली सॉरी, बेहद या बहुत ज़्यादा, आई एम टेरेबली सॉरी मौलवी जी मैं बेहद माजरत ख्वाह हूँ, माई वाइफ इज़ अनवेल तबीयत ठीक ना होना या बीमार होना भी कह सकते हैं, माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी बीवी बीमार है, सो द मेड हैज़ कुक द फूड, मेड मुलाजमा नौकरानी, सो द मेड हैज़ कुक द फूड, तो खाना किसने बनाया, खाना मुलाजमा ने बनाया है, ही सिंसियरली खलूस से दिल से, ही सिंसियरली खलूस से दिल से, ही सिंसियरली वो खलूस से दिल से कंसीडर्ड समझता था, वो खलूस से दिल से समझता था द डेली गिफ्ट टू मौलवी अबुल के रोज़ाना के तोहफे को, वो मौलवी अबुल के रोज़ाना के तोहफे को, रोज़ाना का तोहफा और शाम के खाने का जो रोज़ाना का तोहफा था, वो खलूस से दिल से मौलवी अबुल के रोज़ाना के तोहफे को समझता था, क्या समझता था जी, अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, अ पार्ट एक हिस्सा ऑफ हिज डेली वर्शिप, अपनी रोज़ाना की इबादत का, वो खलूस से दिल से मौलवी अबुल के रोज़ाना के तोहफे को अपनी इबादत का हिस्सा समझता था। कॉन्शियस ऑफ एवर इंक्रीजिंग, कॉन्शियस बाखबर या आगाह, बाखबर या आगा, कॉन्शियस ऑफ एवर इंक्रीजिंग, एवर हमेशा से इंक्रीजिंग बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से, हमेशा से बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर, ऑफ हर हस्बैंड अपने शौहर की हमेशा से बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर, जेबुनिसा ने भी had started शुरू कर दिया था टीचिंग पढ़ाना, द यंग गर्ल्स ऑफ विलेज, यंग गर्ल्स नौजवान लड़कियों को ऑफ द विलेज, गांव जेबुनिसा ने भी गांव की नौजवान लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था द होली कुरान, कुरान मजीद, अपने शौहर की हमेशा से बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर, जेबुनिसा ने भी गांव की नौजवान लड़कियों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया था। ऑन थर्सडे, जुमरात के दिन, when each of the girls brought a small portion, थोड़ी सी पोर्शन, हिस्सा या मकदार, हिस्सा या मकदार, When each of the girl brought, जब हर लड़की लाती a small portion, एक थोड़ा सा हिस्सा या थोड़ी सी मकदार of sugar, शक्कर की, on bread, रोटी पर, जुमेरात के दिन जब हर लड़की रोटी पर शक्कर की थोड़ी सी मकदार रख कर लाती, जेबुनिसा वुड अरेंज इंतज़ाम करना या बंदोबस्त करना, जेबुनिसा वुड अरेंज, तो जेबुनिसा इंतज़ाम किया करती, फॉर एटलीस्ट कम अज़ कम टू बास्केट्स दो टोकरियों का, तो जेबुनिसा कम अज़ कम दो टोकरियों का इंतज़ाम किया करती,
दीज स्मॉल बास्केट्स ये छोटी टोकरियाँ वर यूज्ड इस्तेमाल की जाती थी टू स्टोर मोसल्स मोसल्स टुकड़े या निवाले निवाले या टुकड़े दीज स्मॉल बास्केट्स ये छोटी टोकरियाँ वर यूज इस्तेमाल की जाती थी टू स्टोर मोसल्स टुकड़े महफूज करने के लिए ऑफ होम बेक्ड ब्रेड होम बेक्ड घर की पकी हुई ब्रेड रोटी के ये छोटी टोकरियाँ घर की पकी रोटी के टुकड़ों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं बट लेकिन देर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम ताहम एक और मसला भी था बिसाइड्स ब्रेड बिसाइड्स के अलावा besides के अलावा ब्रेड रोटी के अलावा टू फिल देयर बैलीज टू फिल भरने के लिए देयर बैलीज उनके पेट को भरने के लिए रोटी के अलावा दे ऑल्सो नीडिड उन्हें ज़रूरत भी थी क्लोथ्स कपड़ों की भी ज़रूरत थी टू कवर देयर बॉडीज टू कवर ढांपने के लिए देयर बॉडीज अपने जिस्मों को अपने पेट को भरने के लिए रोटी के अलावा उन्हें अपने जिस्मों को ढांपने के लिए कपड़ों की भी ज़रूरत थी चौधरी फतेह दाद यूज टू प्रेजेंट देना पेश करना नवाजना अता करना चौधरी फतेह दाद यूज टू प्रेजेंट चौधरी फतेह दाद पेश किया करता था या दिया करता था न्यू क्लोथ्स नए कपड़े टू मौलवी अबुल को चौधरी फतेह दाद मौलवी अबुल को नए कपड़े दिया करता था साल में एक मरतबा आफ्टर एवरी हर हार्वेस्ट फसल की कटाई के बाद साल में एक मरतबा चौधरी फतेह दाद मौलवी अबुल को नए कपड़े पेश करता था या दिया करता था Whenever these clothes came, ये कपड़े आते a tailoring shop, दर्जी की दुकान या सिलाई की दुकान a tailoring shop would spring up, खुल जाना आगाज हो जाना तो एक सिलाई की दुकान खुल जाती इन मौलवी अबुल्स हाउस मौलवी अबुल के घर में जब कभी भी ये कपड़े आते तो मौलवी अबुल के घर में एक दर्जी की या सिलाई की दुकान खुल जाती ज़ेबुन्निसा विद द असिस्टेंस ऑफ महरुन असिस्टेंस मदद ज़ेबुन्निसा विद द असिस्टेंस ऑफ महरुन महरुन की मदद से एंड ज़ब्दा और ज़ब्दा की एंड शमसुन और शमसुन की मदद से ज़ेबुन्निसा महरुन ज़ब्दा और शमसुन की मदद से वुड कट देम उन्हें काटती उनसे मुराद वो जो कपड़े आते थे उन्हें काटती इंटू अ स्मॉलर आउटफिट्स छोटे जोड़ों में फॉर द यंगर किड्स नौजवान या छोटे बच्चों के लिए ज़ेबुन्निसा महरुन ज़ब्दा और शमसुन की मदद से उन्हें छोटे बच्चों के जोड़ों में काटती इफ़ अगर ही एवर रिसीव्ड उसे कभी मिलती सम एक्स्ट्रा मनी कुछ ज़ायद रकम अगर उसे कभी कुछ ज़ायद रकम मिलती दिस बोनस तो ये ज़ायद रकम वुड यूजली बी लॉकड अप लॉकअप बंद कर देना ताला लगा देना वुड यूजली बी लॉकड अप और इस ज़ायद रकम को अमूमन बंद कर दिया जाता था या रख दिया जाता था इन अ टिन बॉक्स टिन के डिब्बे में विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ द एपिटाइट्स ऑफ चिल्ड्रन एपिटाइट भूख ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों के इंक्रीज्ड बढ़ गई वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख बढ़ गई या वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख में इजाफा हो गया मौलवी अबुल वाज कॉट पैसे में तो मौलवी अबुल पकड़ा गया था इन द वर्ल ऑफ लाइफ वर्ल गर्दाब
भंवर, मौलवी अबुल वाज कॉट, मौलवी अबुल पकड़ा गया था इन द व्हर्ल ऑफ लाइफ, जिंदगी के गर्दाब में, जिंदगी के भंवर में, मतलब जिंदगी की परेशानियों में जकड़ा गया था। टाइम हैड नॉट बीन काइंड, काइंड मेहरबान होना, टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त उस पर मेहरबान नहीं था। द हेयर्स, द हेयर बाल अराउंड हिज टेम्पल्स, टेम्पल्स कनपटियां, ये जो चीज होती है, द हेयर अराउंड हिज टेम्पल, उसकी कनपटियों के गिर्द बाल, हैड बिकम सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट सफेद, हैड बिकम सिल्वरी वाइट, वो सफेद हो गए थे। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ, ग्रिप गिरफ्त, द ग्रिप ऑफ हिज टीथ, उसके दांतों की गिरफ्त, ऑन हिज गम्स, गम्स मसूड़े, उसके मसूड़ों पर उसके दांतों की गिरफ्त, हैड फॉर लॉन्ग बीन, हैड फॉर लॉन्ग बीन लूज, फॉर लॉन्ग बहुत अरसा पहले, लूज ढीली हो जाना, कमज़ोर हो जाना, उसके मसूड़ों पर उसके दांतों की गिरफ्त बहुत अरसा पहले कमज़ोर हो गई थी, ढीली हो गई थी। बट हिज वॉइस, लेकिन उसकी आवाज़ रिमेंड रेजोनेंट, रिमेंड रही रेजोनेंट गूंजदार, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजदार थी या रही। एक्विंग रिसाउंडिंग, बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेंट, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजदार थी। हाउएवर, ताहम, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, दैट टू क्वेवर्ड, दैट टू, वो भी, वो से मुराद वो आवाज़ भी क्या थी, क्वेवर्ड, क्वेवर कांप जाना, बाज़ औक़ात वो आवाज़ भी कांप, गूंजदार थी लेकिन वो भी कभी कभार कांप जाती थी। चौधरी फतेह दाद वाज ओनली वन, ओनली वन वाहद, चौधरी फतेह दाद वाज ओनली वन, चौधरी फतेह दाद वो वाहद शख्स था, हु न्यू द रीज़न, हु न्यू जो जानता था, द रीज़न वजह को, चौधरी फतेह दाद वो वाहद शख्स था जो वजह को जानता था कि इसके बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, क्यों परेशान रहता है, चौधरी फतेह दाद वाहद शख्स था जो इस वजह को जानता था। मौलवी अबुल हैड वंस ओपन हिज हर्ट, ओपन हर्ट idiom है दिल की बात कहना, राज खोलना, चौधरी मौलवी अबुल हैड वंस ओपन हिज हर्ट, मौलवी अबुल ने एक मरतबा दिल की बात की थी टू हिम, उससे, अबाउट द सूटेबल मैच, सूटेबल मुनासिब मैच रिश्ता, अबाउट द सूटेबल मैच मुनासिब रिश्ते के बारे में, मौलवी अबुल हैड वंस ओपन्ड हिज हर्ट टू हिम, मौलवी अबुल ने एक मरतबा उससे दिल की बात की थी, उससे किससे, चौधरी फतेह दाद से, अबाउट द सूटेबल मैच फॉर महरून, महरून के मुनासिब रिश्ते के लिए, चौधरी फतेह दाद ने एक मरतबा महरून के मुनासिब रिश्ते के लिए उससे, यानी कि चौधरी फतेह दाद से दिल की बात की थी। या चौधरी हैड केयरफुली कंसीडर्ड, केयरफुली एहतियात से, कंसीडर्ड सोचना ख्याल करना, द चौधरी हैड केयरफुली कंसीडर्ड, चौधरी ने बड़ी एहतियात से गौर किया या सोचा, द एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी अहलियत या काबिलियत, चौधरी फतेह दाद हैड केयरफुली कंसीडर्ड, चौधरी फतेह दाद ने बड़ी एहतियात से गौर किया, द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल यंग मैन, तमाम नौजवानों की अहलियत पर, ऑफ द विलेज गांव के, चौधरी फतेह दाद ने बड़ी एहतियात से गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत पर गौर किया कि कौन सा लड़का है जो इस रिश्ते के लिए मुनासिब होगा। देर वर सम, जब उसने गौर किया तो देर वर सम कुछ थे, कुछ से मराद कुछ नौजवान लड़के थे, होम ही फाउंड सूटेबल, होम जो के ही फाउंड उसे लगे सूटेबल मुनासिब, कुछ थे यानी कि कुछ नौजवान लड़के थे जो उसे मुनासिब लगे, बट द ट्रबल वाज दैट, ट्रबल मुश्किल परेशानी, बट द ट्रबल वाज दैट, लेकिन परेशानी ये थी,
दैट एवरी वन इन द कम्युनिटी, दैट एवरी वन के हर कोई इन द कम्युनिटी मुआशरे में, कम्युनिटी मुआशरा, लेकिन परेशानी ये थी कि मुआशरे में हर कोई न्यू जानता था मौलवी अबुल को वेल, अच्छी तरह से, लेकिन परेशानी ये थी कि मुआशरे में हर कोई मौलवी अबुल को अच्छी तरह से जानता था कि उसका सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए कोई भी उसकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार ना था। चौधरी फतेहदार ट्राइड, चौधरी फतेहदार ने बात कोशिश की टू निगोशिएट, निगोशिएट बातचीत करना। चौधरी फतेहदार ट्राइड, चौधरी फतेहदार ने कोशिश की टू निगोशिएट बातचीत करने की विद अ कपल ऑफ एल्डर, अ कपल ऑफ दो चार एल्डर्स बुजुर्गों से या बड़ों से। चौधरी फतेहदार ट्राई टू निगोशिएट विद कपल ऑफ एल्डर्स, चौधरी फतेहदार ने दो चार बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से सब या वो सब ड्रू बैक, ड्रा हट जाना, बैक पीछे, लेकिन वो सब पीछे हट गए, एज इफ जैसा कि बीज हैड सडनली स्प्रंग अप, बीज शहद की मक्खियां हैड सडनली स्प्रंग, स्प्रिंग निकल आना, जाहिर होना, बीज हैव सडनली स्प्रंग, शहद की मक्खियाँ अचानक निकल आई हैं, फ्रॉम द बेड ऑफ फ्लावर, फ्रॉम द बेड क्यारी से फ्लावर, फूलों की, लेकिन सब के सब यूं पीछे हट गए जैसे अचानक फूलों की क्यारी से शहद की मक्खियाँ निकल आई हों। अल्टीमेटली बिलाखर या आखिरकार मौलवी अबुल एंड जेबुन निसाज प्रेयर, मौलवी अबुल और जेबुन निसा की दुआएं, बोर फ्रूट, बेयर फ्रूट इडियम है रंग ले आना, बराबर साबित होना, मुफीद साबित होना, आखिरकार मौलवी अबुल और जेबुन निसा की दुआएं रंग ले आईं। अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज, गांव का एक नौजवान, हु हैड गॉन अवे, जो चला गया था, केम बैक, वापस आ गया, पहले चला गया था वापस आ गया, हु हैड गॉन अवे, जो चला गया था, केम बैक, वापस आ गया, एंड ओपनड अ स्मॉल क्लॉथ शॉप, एंड ओपनड और खोली अ स्मॉल क्लॉथ शॉप, छोटी कपड़े की दुकान, और छोटी कपड़े की दुकान खोली, ही कॉल्ड हिमसेल्फ, वो खुद को कहता है शमीम अहमद, शमीम अहमद, वो खुद को शमीम अहमद कहता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।